आदिवासी समुदाय के विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के मार्गदर्शन में नागपुर स्थित संविधान चौक पर आंदोलन किया गया। इस समय आगामी 7 अगस्त को होने वाले भारत बंद के विषय में जानकारी दी गई है। दरअसल महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नागपुर दौरे के कारण आदिवासी समुदाय में आशा की किरण जग उठी है, जिसके कारण राष्ट्रपति महामहिम नागपुर में आकर भी आदिवासी समुदाय के कल्याण के विषय में नहीं सोचा जा रहा है। इस रोष के साथ नागपुर स्थित संविधान चौक पर आंदोलन किया गया। इस समय कॉमन सिविल कोड के विरोध में आगामी 7 अगस्त को भारत बंद का ऐलान प्रदर्शनकारियों द्वारा दिया गया। इस समय आदिवासी संस्कृति और वन रक्षण के विषय में विभिन्न मांगे की गयी। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है संविधान चौक पर, जहाँ की आदिवासी समुदाय द्वारा आंदोलन किया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में। इनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड खत्म होने के बाद जो आदिवासियों को एक स्वतंत्र पहचान दी गई थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होगी। दर्शकों, इस वक्त राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की ओर से संविधान चौक पर आंदोलन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आंदोलनकारी, जो की आदिवासी की वेशभूषा में है। तो आइए जानते हैं उनसे कि आखिर इनकी मांगे क्या है, किस मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है और आखिर आपकी मांगे क्या? देखिए, मैं मंगलाताई उइके कोयापुनम गोंडवाना महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम आज यहाँ पे धरना आंदोलन जो कर रहे हैं, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से हमारी जो मांगे हैं, जो आदिवासियों के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है, उनकी जल जंगल जमीन छीनी जा रही है और कानून पे कानून लागू हो रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है, आप कितने कानून लागू करोगे, कितना हमारे ऊपर लादोगे भाई? सहन शक्ति होती है झेलने की, कितना करोगे? हमारी जल जंगल जमीन जो है पूरा हमको बेदखल किया जा रहा है, हमको वनवासी बोला गया है। भाई हम वनवासी नहीं है, हम वनवासी नहीं है। हम वनवासी किसे बोला गया है? जो उसको टॉर्चर करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, समाज के बाहर जिसे निकाल दिया जाता है उसको वनवासी बोलते हैं। हम वनवासी नहीं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। ये हमारी जड़ से, यह धरती दाई के हम पुत्र हैं। आज यह राष्ट्रपति यहाँ पे आए थे, नागपुर में राष्ट्रपति आए थे, तो कम से कम मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे ये लोग धरना आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के तरफ से जो धरना आंदोलन हो रहा है, कम से कम इतने एरिया में संविधान चौक में तो आके देखना चाहिए था कि आदिवासी लोग यहाँ पे आए हैं, इनकी समस्या क्या है। ये इतने दूर दूर से आए हैं, कोई एक सेक्टर से नहीं आता है, सब दूर दूर से आते हैं। अब इनकी समस्या क्या है? ये सरकार क्या कर रही है? आदि राष्ट्रपति किस लिए बनाया जाता है कि आदिवासियों की क्या समस्या है, उनके जल जंगल की क्या समस्या है, उसके ऊपर वो क्या बोलते पारिश करे। लेकिन आज तक सिर्फ नाम के लिए राष्ट्रपति है आदिवासी की, लेकिन आदिवासियों के लिए आज तक इन्हें कुछ नहीं किया। ये आरएस के गुलाम है, बीजेपी के गुलाम है, और बीजेपी ने राष्ट्रपति आदिवासी समाज के मातृशक्ति को इसलिए बनाया है क्योंकि आदिवासियों के जल जंगल जमीन ये लोग छीन लिए, और आज भी यही कर रहे हैं। राष्ट्रपति सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए है, राष्ट्रपति इसलिए बनाए हैं कि जितने भी आदिवासियों के जल जंगल जमीन है वो छीन लिया जाए, उनका आरक्षण खत्म किया जाए, इसलिए राष्ट्रपति बना दिए गए हैं। ये हमारे फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं राष्ट्रपति। आज उनका काम था, या संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर है उनके ये संविधान चौक में आने का, लेकिन वो आए नहीं। और हमारे आदिवासी जो क्षेत्र है गढ़चिरौली में गए, और वो गढ़चिरौली में हमारे आदिवासी लोगों को नक्सलवादी घोषित किया गया है, नक्सलवादी करके वो गांव के लोगों को मार दिया जाता है। तो ये कब तक वो दिखाई नहीं देता? वो इसलिए मार दिया जाता है कि वो गांव खाली होना चाहिए, गांव खाली हो तो सरकार के कब्जे में जाएगा, इसलिए वो गांव के लोगों को नक्सलवादी घोषित करके मार दिया जाता है। साथियों, बस जैसे पूरी नहीं होती तो आप किस प्रकार से आंदोलन करेंगे? देखिए, मांग अगर पूरी नहीं होती तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के तरफ से 7 तारीख को बंद का आह्वान किया गया है। अगर यह हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो इससे ऊपर उग्र आंदोलन होगा, ऐसा राष्ट्र एकता परिषद के तरफ से। कितना आदिवासी समुदाय आएंगे 7 तारीख को होने वाले आंदोलन? 7 तारीख को होने वाले आंदोलन में कितने लोग आने वाले हैं? देखिए, पूरे भारत देश से
जितने भी है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद या एसी एसटी समाज जो है वो आंदोलन करने वाला है, उसमें सभी लोगों से मैं विनती करती हूँ इस आंदोलन में सहभागी होकर अपने अधिकार के लिए लड़े। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, आज संविधान चौक पर आदिवासी एकता मंच की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति का दौरा नागपुर में पहली बार हुआ, उससे कहीं ना कहीं आशा जागृत हुई है कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर आदिवासी समुदाय का हक कहीं ना कहीं नहीं मिले। तो देखते हैं आगे इसका क्या प्रभाव होता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, एनबीसी न्यूज के लिए नागपुर।